बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई स्टार्ट चैप्टर टू व्हिच इज़ होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट विद ज़ीरो। होल नंबर वी डिनोट होल नंबर विद डब्ल्यू एंड होल नंबर स्टार्ट विद ज़ीरो, वन, टू एंड अप टू सो। ठीक है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, अप टू सो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और वो वहाँ स्टार्ट होते हैं वन, टू से। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक होते हैं इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू पे डिविजिबल हो। ठीक है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू पे डिवाइड हो जाएं, या द दोज नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल बाय टू। सो इवन नंबर को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इवन नंबर टू, फोर, सिक्स, एट, अप टू सो। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू पे डिवाइड हो जाते हैं, कि टू पे डिवाइड हो जाए, फोर भी, सिक्स भी, एट भी, टेन, ट्वेल्व, अप टू सो। इसी तरह हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टू पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, लाइक वन टू पे डिविजिबल नहीं होता, थ्री टू पे डिविजिबल नहीं होता, फाइव टू पे डिविजिबल नहीं होता, ना सेवन टू पे डिविजिबल नहीं होता, आपको फोन। ठीक है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय टू हो। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में उन्होंने कहा है राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? वन। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? ज़ीरो। आप क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू ज़ीरो एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू वन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उन्होंने कहा सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। यस, सब के सब नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब आपने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने हैं। अब देखिए फर्स्ट है जैसे द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। सबसे बड़ा वन डिजिट नंबर कौन सा होता है? नाइन। नाइन के बाद टेन है, टेन टू डिजिट नंबर आ जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा सबसे बड़ा वन डिजिट नंबर कौन सा होता है? नाइन। अब आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन के लिए क्या करते हैं? पहले आप लोग लाइन ड्रॉ करती है। आप देखिए पहले लिखिए ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। अब आपके पास जो बफर जो ग्रेटर वन डिजिट नंबर कौन सा है? नाइन। तो नाइन पे आप क्या करेंगे? यू डॉट लगा दें बस। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन होगी। नेक्स्ट है, इधर एरो भी लगा लें, एक और इस तरह चलती है। ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन नाइन एंड लेस देन 19। उन्होंने क्या नेचुरल नंबर लिखने हैं जो ग्रेटर हो 9 से और लेस हो 19 से। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, ना 9 के साथ है ना 19 के साथ है। 9 और 19 इंक्लूड नहीं होंगे, वो नंबर इंक्लूड होंगे जो 9 से बड़े होंगे और 19 से छोटे होंगे। कौन से होंगे वो? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18।
ठीक है, आप लोग इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन बेशक आप जीरो से स्टार्ट करें, 1 2 3 अप टू सोना ड्रॉ करते जाएं, कि जो 18 वाले होंगे ना, 18 17 16 15 14, इन नंबर्स को आप लोगों ने इस तरह वो कर देना सर्कल। यहाँ पे लिखेंगे 9 8 7 6 5, ठीक है, जो नंबर इंक्लूड होते हैं उनको हम इस तरह सर्कल फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब ग्रेटर भी है और इक्वल का साइन में, तो 8 भी इंक्लूड होगा, 8 9 10 अप टू 100 सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ आपको ड्रॉ कर देती हूँ, बाकी आप उसको ड्रॉ करेंगे, इधर ही कर देती हूँ, बाकी ये नंबर जो आपके पास सामने लिखे रहे, और आप लोग मुझे अपना होमवर्क करके मेल आईडी पे सेंड करते जाएं। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताती हूँ, होल नंबर लेस देन इक्वल टू 14 बट ग्रेटर देन 9। अब 14 के साथ इक्वल का साइन है, मतलब 14 इंक्लूड होगा, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 9 इंक्लूड नहीं होगा। आपने वो होल नंबर लिखे हैं जो लेस और इक्वल हो 14 से, लेकिन 9 से क्या हो, बड़े हो, 9 से बड़े, 9 इंक्लूड नहीं है, 11 12 13 14 ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में नंबर लिखे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जो नंबर है इनको आपने डॉट करना बस, ठीक है। उन्होंने कहा था होल नंबर लिखने 14 से लेस और इक्वल 9 से बड़े, 9 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, जैसे 9 इंक्लूड नहीं हुआ, 9 से बड़े वाले लिखे और 14 तक लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 9 और 10 में बता देती हूँ, हैंड वो भी इजी, बट इवन नंबर्स लेस देन 10। अब उन्होंने कहा इवन नंबर लिखनी है लेकिन 10 से लेस, 10 इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो इवन नंबर लिखिए 2 4 6 8, 10 से लेस लिखने तो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही कर लेते हैं। अब जो जो नंबर इधर उनको करें डॉट, ठीक है। इसी तरह ऑड नंबर उन्होंने क्या है, ग्रेटर देन होंगे 5 से, लेस देन 15, 5 से बड़े और 15 से छोटे। अब दोनों के साथ इक्वल नहीं है तो दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो 5 से बड़े हों और 15 से लेस, ऑड नंबर वो होते हैं ये वाले जो 2 पे डिवाइड ना हो। 5 से बड़े कौन से होंगे, 2 से डिवाइड ना हो, 7 9 11 13 और 15, आज 15 लिखना ही नहीं क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब इसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करें और करेंगे और इनको डॉट इनको कर लेंगे, ठीक है। बस आपका भी सिर्फ यही होम टास्क है, आपने नंबर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना, होल क्या होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं, और इनको नंबर लाइन को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में एडिशन एंड एडिशन पढ़ेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। थैंक यू।